आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर घर घर समाजवादी झंडा लगाओ के अभियान के अंतर्गत समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने नसरापुर गांव में पहुंचकर आधा सैकड़ा लोगों के घर में समाजवादी झंडा लगवाया। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने बताया, आज गांव में पहुंचकर पता चला कि लोगों में वर्तमान बीजेपी सरकार के प्रति जबरदस्त गुस्सा है और लोगों को समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव से बहुत उम्मीद है। इस दौरान समाजवादी झंडा लगाने को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। इस मौके पर अमित मिश्रा, सत्येंद्र यादव, कल्लू शर्मा, धर्मेंद्र कुशवाहा, राम सेवक, बाथम सोनेलाल कठेरिया, संदीप सक्सेना, रंजीत दिवाकर आदि कई लोग मौजूद रहे। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। झंडा लगाया आज आपने समाजवादी, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, समाजवादी का तूफान है, सरकार बनवाएंगे आप? हाँ। कहा ये अभियान चलाया है आपने? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश में माहौल समाजवादी पार्टी का है और कैसे लोगों में उत्साह बढ़े और कैसे दिखे कि समाजवादी पार्टी की हवा नहीं, प्रदेश में तूफान है। घर घर, गांव गांव, गली गली समाजवादी और साइकिल नजर आए, इसलिए समाजवादी पार्टी ने 15 तारीख से 25 तारीख तक झंडा लगाओ वाहनों में, घरों पे, अपने प्रतिष्ठानों पे एक अभियान चलाया है। इसी के तहत आज हम पहले दिन ग्राम नसरापुर में झंडा लगवाने लोगों के यहाँ आए हैं और हमें बड़ा खुशी हुई, बड़ा लोगों में उत्साह है। हमारे पास आज झंडे कम थे लेकिन लगाने वाले जबकि हमारे परंपरागत वोट नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुके हैं और साइकिल थामना चाहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे तेजस 24 न्यूज़।